टाइम एंड डिस्टेंस के आज के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये तीन चैप्टर का जो एक समूह होता है उससे एक न एक प्रश्न अवश्य आता है। जब भी पढ़ना चाहिए तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, क्रमवार ही सही लेकिन एक साथ पढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से उस कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जो अपने को कमजोर मानते हैं, मैं नहीं मानता, उन्हें भी ये टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये तीनों चैप्टर समझ में आ जाए। हालांकि ये एपिसोड टाइम एंड डिस्टेंस का है लेकिन एक हद तक कॉन्सेप्ट समान है। कहां तक समान है, कहां से डिफरेंस पैदा होता है, आज उसकी चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसका एप्लीकेशन भी आपको समझ में आए, यानी कॉन्सेप्ट और साथ साथ एप्लीकेशन और क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन सब कुछ इस एपिसोड में होगा। सबसे पहला जो सवाल उठता है टाइम एंड डिस्टेंस में कि आखिर पढ़ना क्या है, और यही वो प्रश्न है जिसका जवाब नहीं मालूम होने की वजह से किसी को भी डर लगता है। जैसे ही आप इसकी सीमाओं से अवगत हो जाएंगे सब कुछ आसान लगने लगेगा। मैकेनिक्स जिसे कहते हैं, जो लोग आईएससी में पढ़ते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। मैं ये बता रहा हूं आपको पढ़ना क्या है संक्षेप में। तुरंत कोई भी वस्तु स्थिर है, विराम में है, उस पर भी विभिन्न फोर्सेस काम कर रहे हैं, वो स्टैटिक्स के अंतर्गत आया। स्टैटिक्स, नॉट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स के अंतर्गत आया। उसमें फोर्स लगाइए, जब तक वो वहीं पर खड़ा है स्टैटिक्स है, और जैसे ही वो चलने लगा डायनेमिक्स हो गया। डायनेमिक्स, डायनेमिक गति। आपको स्टैटिक्स नहीं पढ़ना है, डायनेमिक्स पढ़ना है, गति। किसी जगह पर किसी समय विशेष में आप थे और घंटों बाद भी फिर वहीं रहते हैं तो आप गति में नहीं हैं, आप तो वहीं हैं, विराम में हैं, रेस्ट में हैं। जैसे ही आपका स्थान परिवर्तन होता है, जगह बदलता है, वैसे ही आप गति में कहे जाते हैं, जो समय के अनुसार बदलता जाता है। तो आपको गति पढ़नी है, मोशन पढ़ना है। मोशन में आ गए, मोशन पढ़ना है। कौन सा मोशन पढ़ना है? झिकझाग मोशन, पानी गिरा दीजिए, जिधर से मर्जी हो उधर से चला जाए जमीन पर, नहीं, ये झिकझाग मोशन नहीं पढ़ना है। सर्कुलर मोशन, जिसमें सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होते हैं, वो भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। जब जाएंगे एक सरल रेखा में जाएंगे। मैं आपके कोर्स को डिफाइन कर रहा हूं जो आपको पढ़ना है। जब आप उसको समझ जाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि अच्छा मुझे यही पढ़ना है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, ठीक है, सरल रेखा में गति पढ़ना है। स्पीड, स्पीड, एक्सेलरेशन, त्वरण, स्पीड, चाल। आप स्पीड एंड वेलोसिटी में जो अंतर है वो अंतर से आपका सरोकार नहीं है, क्योंकि वो स्केलर और वेक्टर नहीं पढ़ना है। अगर आप कुछ देर के लिए आप स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मान लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कोर्स के ख्याल से फर्क नहीं पड़ता। स्पीड पढ़ना है, एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज स्पीड। टाइम एंड डिस्टेंस से जिन्हें डर लगता है उन्हें वास्तव में स्पीड और एक्सेलरेशन ही समझ में नहीं आता, या उसको समझने में दिक्कत होती है। इवन जो फिजिक्स और मैथ्स ऑनर्स किए हुए रहते हैं, पढ़े हुए रहते हैं, वो बहुत कुछ पढ़े हुए रहते हैं लेकिन थ्योरेटिकल पढ़े हुए रहते हैं, प्रैक्टिकल जानकारी में दिक्कत होती है, और एग्जाम में
एग्जाम में तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है, नहीं तो बताइए फिजिक्स ऑनर्स करने वाला उसके सामने में आर्ट पढ़ने वाला भला क्या जवाब देगा। लेकिन बोर्ड थोड़ा सा पूछता है पर ठीक ठीक यूज पूछता है, और ये यूज मैथ और फिजिक्स ऑनर्स करके भी आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए एप्लीकेशन पर ध्यान दीजिए। जो भी थॉट होगा उस वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होगा इसको देखिए, मतलब उसके डेफिनेशन को देखिए। एक्सेलरेशन, देयर इज नो एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन समझिएगा तब ना देयर इज नो एक्सेलरेशन। आपको वो मोशन पढ़ना है जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये बातें मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि जब भी मैं क्लास में ये स्टार्ट करता हूं, इवन मैथ्स और फिजिक्स ऑनर्स तक, इवन इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट तक, हालांकि उनको काफी जानकारी है, लेकिन कोर्स के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वहां उनको दिक्कत होती है। और जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं उन्हें तो समझ में ही नहीं आता, उन्हें तो पहले समझना पड़ता है कि आखिर पढ़ना क्या है। और एक बार जब मैं सारी चीजें स्पष्ट कर देता हूं फिर ये उनका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर बन जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। तो समझ लीजिए, बहुत संक्षेप में मैं बात करूंगा, इसके बाद क्वेश्चंस पर आऊंगा। स्पीड क्या है? खूब पढ़ते हैं समझते ही नहीं है। स्पीड डिस्टेंस को कहते हैं, स्पीड डिस्टेंस को कहते हैं, सुन के कैसा लगा? इस डिस्टेंस इज द स्पीड इफ इट इज डिस्क्राइब्ड इन यूनिट ऑफ टाइम। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, डिस्टेंस को कहते हैं। आप बोलिएगा स्पीड की क्या जरूरत है, चलिए मान लेते हैं कोई जरूरत नहीं, क्या करेंगे स्पीड लेके, छोड़िए। अगर दैनिक जीवन में उसका यूज नहीं है तो लेके क्या करेंगे। लेकिन हां, दो व्यक्ति दौड़ रहा हो और कौन तेज दौड़ेगा, इसका जवाब आप कैसे देंगे? पहला वाला ए व्यक्ति कहेगा मैं तो 100 किलोमीटर गया, और दूसरा वाला कहेगा मैं तो 50 किलोमीटर गया। बोले तो कौन तेज दौड़ रहा है? इसका जवाब तो किलोमीटर को देख के नहीं होगा। 100 किलोमीटर दौड़ रहा है, अरे वो तो 10 घंटे में दौड़ रहा है। 50 किलोमीटर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, वो तो 2 ही घंटे में दौड़ रहा है। अब कौन सा सामान महंगा है, इसका जवाब आप बता सकते हैं कि ये 100 रुपए का सामान है और 50 रुपए का सामान है, कौन सा महंगा है, कितना रुपया दाम है, इसके आधार पर पता कर लीजिएगा। 10 घंटा में, 10 आवर्स में न गए थे 100 किलोमीटर, 1 आवर में तो 10 ही गए थे। और दूसरा वाला 2 आवर्स में न 50 किलोमीटर गए थे, 1 आवर में तो 25 गए। दिस इज रेट रेट रेट, स्पीड इज रेट। 10 पेन का दाम ना 100 रुपया था, 1 पेन का दाम 10 रुपया, 2 ही पेन का ना दाम 50 रुपया था, 1 पेन का दाम 25 रुपया। स्पीड इज रेट, और रेट से ये पता चलता है कि कौन तेज दौड़ता है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है, यूनिट यूनिट क्यों बोलते हैं भाई, यूनिट आवर क्यों बोलते हैं? मत बोलिए, दुकान जाइए पूछिए, नींबू खरीदना है, नींबू कैसे मिल रहा है? अब दुकानदार बोले 20 रुपए में 3, 20 रुपए में 3, अब 4 नींबू कैसे खरीदिए, तो सीधा हो जाइएगा, 3 नींबू का दाम 20 रुपए, 1 नींबू का समझ में नहीं आ रहा, 3 तो खरीद लीजिएगा 20 रुपए में, 6 भी खरीद लीजिएगा 40 रुपए में, 9 भी खरीद लीजिएगा 60 रुपए में, 4 ठो कैसे खरीदिएगा, और 5 ठो पसीना छूटेगा कि नहीं? और अगर कोई बोल दे कि 1 नींबू का दाम 6 रुपया 33 पैसा बोल दे, तो आप 3 नींबू का दाम 19 रुपये के आसपास बोलेंगे कि नहीं, यानी 18 रुपया 99 पैसा बोलेंगे कि नहीं? आप मुझे बताइए, 1 नींबू का दाम कितना भी टेढ़ा हो, कितने भी नींबू का दाम निकाला जा सकता है, यही कारण है। बोलेगा मैं तो जाता हूं 20 किलोमीटर 3 आवर्स में, तो ठीक है जाइए, फिर 3 आवर्स जाइए, फिर जाइएगा 20, ये सब तो ठीक है,
सिक्स आवर्स गए तो अच्छा लगा, सेवन आवर्स गए तो कितना दूर गए, पसीना छूट जाएगा निकालने में। यही रीजन है कि रेट जो कि खुद भी स्पीड भी एक रेट है, रेट विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट निकाला जाता है। एक नींबू का दाम कितना, एक दर्जन नींबू का दाम कितना, एक सौ नींबू का दाम कितना, एक हजार नींबू का दाम कितना, एक 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 जिस सिस्टम में भी बात करेंगे एक। यही रीजन है कि डिस्टेंस को भी डिफाइन किया गया है, स्पीड को भी डिफाइन किया गया है डिस्टेंस के रूप में, वो डिस्टेंस जो यूनिट टाइम में तय किया जाए, वन सेकंड में, वन मिनट में, वन आवर में, एक दिन में, एक साल में, लेकिन वन। दो चार दिन काम करना, एक दिन में कितना, दो चार दिन चलना है, एक दिन में कितना चले, दो चार घंटा चलना है, एक घंटा में कितना चले, समझ में आ गया। और मैं जो ये बोलूंगा, जो आप जानते हैं कि एक बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ सही है, फॉर्मूला है, और यही तो एक फॉर्मूला है, और तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस में और क्या फॉर्मूला है, ले देखे यही फॉर्मूला है। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का और चर्चा करूंगा, पर ये कोई फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है पांच घंटा जाइए ना 20 किलोमीटर पर आवर, अच्छा अच्छा एक घंटा में 20 किलोमीटर, पांच घंटा में 100, ये क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस 100 कैसे आया, 20 किलोमीटर पर आवर, रेट स्पीड टाइम 5 आवर्स, स्पीड इनटू टाइम इज द डिस्टेंस। स्पीड का डेफिनेशन बोल दीजिए, हर चीज निकल जाएगी। कोई बोले मैं तो जाता हूं 100 किलोमीटर पांच घंटे में, अरे क्यों जा रहे थे पांच घंटे में 100 किलोमीटर, एक घंटा में जाइए ना, तो एक घंटा में तो 20 ही जाएंगे, तो इसी को ना स्पीड बोलते हैं, एक घंटा में कितना किलोमीटर जाते हैं, समझ में आ गया। डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड इन यूनिट टाइम, फॉर्मूला भी तो यहीं से बनता है ना, 5 आवर्स में 100 किलोमीटर, 1 आवर में कितना, वही 100/5 बोले ना, 100 क्या है डिस्टेंस, 5 क्या है टाइम, स्पीड क्या हुआ डिस्टेंस बाय टाइम, ये कोई फॉर्मूला है, अरे स्पीड का डेफिनेशन बोलिए खत्म। आपने समझा, स्पीड इज रेट, और यही रीजन है कि हम लोग मेथड ऑफ एलिगेशन इसका इस्तेमाल करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड डिस्टेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको मजा आएगा देखिए। हाँ तो स्पीड आप समझ गए, मैं मोशन डिफाइन कर रहा था और इसलिए मैंने बात किया कि स्पीड समझ जाने के बाद एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, फिर बहुत पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन समझ में ही नहीं आता। मैं क्लास में कहता हूं कि ठीक है समझने की क्या जरूरत है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको पता है अधिकतर स्टूडेंट बाइक चलाते हैं, लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, मैं उनसे पूछता हूं अच्छा बताइए स्कूटी चलाते हैं ना, ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड अब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बड़ा धीरे धीरे 30 किलोमीटर पर आवर से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कोई पीछे बैठा है आपका फ्रेंड, कहता है क्या ये 30, ये कोई स्पीड है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए ना, तो आप क्या करते क्या होता है एक्सेलरेटर बोलते हैं ना, एक्सेलरेटर आप खुद जानते हैं, बोलते हैं एक्सेलरेट कीजिए ना, मतलब स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाने वाला यंत्र, ये राइट हैंड क्या है, स्पीड बढ़ाने वाला यंत्र, एक ही बार बढ़ा दीजिएगा तो गिर ही जाइएगा, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, पहला घंटा में 2 किलोमीटर, दूसरा घंटा में 6 किलोमीटर, तीसरा घंटा में 1 किलोमीटर, चौथा घंटा में 1 किलोमीटर। आपसे पूछेंगे ना, अरे 4 घंटे में आपका स्पीड 20 से बढ़ के 30 हो गया, या 30 से बढ़ के 40 हो गया, अच्छा अच्छा 30 से 40 हो गया ना, 4 घंटे में 30 से 40 हो गया, तो 4 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को बढ़ा लिए, तो 1 घंटा में कितना बढ़ाए, 2.5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर एक्सेलरेशन। आपके स्पीड में, वेलोसिटी में, टेक्निकली वेलोसिटी है, आपके वेलोसिटी में या स्पीड ही बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें यूनिट टाइम में जो चेंज आता है, इस चेंज को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। थ्योरेटिकल मत रहिए, यही तो सारे प्रॉब्लम की जड़ है, डेफिनेशन को दिखाई देना चाहिए। अरे 30 से
आप कभी 32 हो जाते हैं, कभी 36 हो जाते हैं। अरे थोड़ा धीरे धीरे एक समान बढ़ाइए ना। ऐसा करते 30 किलोमीटर पर आवर था, 1 आवर के बाद 2.5 बढ़ा देते, फिर उसके बाद फिर 2.5 बढ़ा देते, फिर उसके बाद 2.5 बढ़ा देते, फिर उसके बाद 2.5 बढ़ा देते। कितना मजा आता 2.5 किलोमीटर पर आवर से हर आवर में बढ़ाते रहते। दैट इज योर एक्सेलरेशन। योर स्पीड चेंजेस फ्रॉम 30 to 32.5 इन 1 आवर। योर एक्सेलरेशन इज 2.5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ना ना ना, हम स्पीड कहां बढ़ा रहे थे, हम तो ऐसे ही पकड़े हुए थे। मतलब ये हैंडल को पकड़े थे और चले जा रहे थे। अच्छा, नहीं बढ़ा रहे थे तो 30 से ही चले थे। 2 घंटा बाद भी 30 था। अच्छा, 4 घंटा बाद भी 30 था। स्पीड वेलोसिटी बढ़ा ही नहीं, 0 acceleration। समझ में आया? देयर इज नो चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी मीन्स 0 acceleration। एंड दिस इज द मोशन यू हैव टू स्टडी। आपको जब चलना है एक ही स्पीड से चलना है, एक समान यूनिफॉर्म स्पीड से चलना है। मतलब आपका स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा नहीं मीन्स एक्सेलेरेशन 0। यही मोशन पढ़ना है, एक समान वेग या चाल। और यही रीजन है कि जब हर घंटे में 30 जाइएगा तो पहले में भी 30, दूसरे में भी 30, तीसरे में भी 30, तो भाई 5 घंटा में 150 नहीं हुआ। और ये कहां से हुआ? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड दिस इज द मोशन यू हैव टू स्टडी। ऐसा नहीं है कि आपका स्पीड चेंज नहीं होगा, होगा। लेकिन जब आप 30 से जा रहे हैं और फिर आपने ब्रेक करके 40 किया, तो हम उस मोशन को के उस पार्ट को ब्रेक करेंगे और उस पार्ट में आपका स्पीड 30 ही रहेगा, अगले पार्ट में 40 ही रहेगा, बाद के पार्ट में 20 ही रहेगा। लेकिन एक पार्ट में आपका एक ही स्पीड रहेगा और इसीलिए फॉर्मूला एक ही रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बात आपकी समझ में आ गई? सिस्टम जो है हमारा उसको थोड़ा समझ लीजिए। डिस्टेंस को अगर किलोमीटर में रखते हैं तो टाइम को आवर में रखते हैं, और डिस्टेंस को यदि मीटर में रखते हैं तो टाइम को सेकंड में रखते हैं, तो स्पीड मीटर पर सेकंड होता है और उस केस में स्पीड किलोमीटर पर आवर होता है। ये दो समझ लीजिए कि दो स्केल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं ना, दे इस्तेमाल करने तब ना। हम तो पढ़े मीटर किलोमीटर, दे दिया डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलिए, दे दिया मिनट, मिनट को बदलिए या तो सेकंड में या फिर आवर में। लेकिन फाइनली जो स्केल होगा आइदर मीटर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड होगा या किलोमीटर आवर किलोमीटर पर आवर होगा, इन्हीं में से किसी एक स्केल में लेके चलेंगे। जब हम चलेंगे तो सवाल उठेगा कि स्पीड को जो किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, या जो मीटर पर सेकंड में है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए। कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? कुछ ऐसा मैं चाहता हूं, लिख तो दूंगा, रट लीजिए। रटा हुआ थोड़ा याद रहता है, मैं चाहता हूं याद हो जाए। आइए मैं याद करने का तरीका बताता हूं। मैं क्या तरीका बताऊं, ये तो आपको पता है। रुपया पैसा ये तो पता है ना, 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। यानी 1 रुपया और 1 पैसा में इनवर्स के रूप में क्या रिलेशन है? 100 बाई 100 टाइम्स, 100 बाई 1 या 1 बाई 100, जल्दी बताइए। एक जो है दूसरे का 100 गुना है, तो या तो एक दूसरे का 100 टाइम्स होगा 100 बाई 1 या 1 बाई 100। यह रिलेशनशिप है। मैं बताता हूं कि मीटर पर सेकंड जो है वो किलोमीटर पर आवर से उसका 3.6 टाइम्स है, रफली 3.5 गुना। मैं ये कहना चाहता हूं रुपया मीटर पर सेकंड माने रुपया और किलोमीटर पर आवर माने पैसा। जैसे पैसा को रुपया में बनाते हैं तो 100 टाइम्स है तो 100 बाई 1 करते हैं। यहां पर जो 3.6 टाइम्स है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 18/5, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से करते हैं। असल में 1/3.6 अच्छा नंबर नहीं आता ना, फ्रैक्शन टेढ़ा होता है, कैंसिल करने में दिक्कत होती है, इसीलिए। ये कहां से आया, कहीं से नहीं। आप सोचिए 1 किलोमीटर पर आवर,
बोर्ड पर नहीं लिखता, ऐसे ही बात करता हूं, 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या, 1 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब 16 to 60 seconds, 3600 seconds, और ऊपर क्या है, 1000 किलोमीटर। सॉल्व कीजिए, आया क्या, आया 5/18। तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या आया, 5/18 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड क्या हुआ, 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसको याद रखने का तरीका है कि रफली समझिए जैसे रुपया जो है पैसे का 100 गुना होता है, 100 times, ये वाला होता है 3.5 गुना, मैंने 3.6 times, दैट इज 18/5। अब आप सोचिए कि अगर 5 रुपीज को पैसा बनाना हो तो क्या करते हैं, 5 रुपीज इंटू या तो 1/100 या 100/1। तो थोड़ा सोचिए, रुपया तो बड़ा यूनिट है, उसमें छोटे छोटे पैसे तो ढेर सारे होंगे, ढेर सारे का मतलब 100/1, और कम होता तो 1/100। वैसे ही अगर हम लोगों को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है, मान लीजिए रहे कि 20 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलिए, तो बोलेंगे ठीक है 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 20 इंटू, मीटर पर सेकंड तो बड़ा यूनिट है, उसमें छोटे छोटे किलोमीटर पर आवर ढेर सारे होंगे, ढेर सारे सारे का मतलब 18/5, और कम होता तो क्या होता, 5/18। 18/5 वन से बड़ा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ा देगा, 5/18 वन से छोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो घटा देगा, तो कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये कन्वर्जन जानना जरूरी है, इस कन्वर्जन की जरूरत हर जगह पड़ेगी। यहां तक आप समझे, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं उसका एप्लीकेशन भी साथ साथ देखते चलिएगा। स्पीड तो आप समझ गए, वो दूरी वो डिस्टेंस जो यूनिट टाइम में डिस्क्राइब होता है, तय होता है। प्रैक्टिकल मीनिंग ये है, इधर देखिए, प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि 1 सेकंड में कितना मीटर या 1 आवर में कितना किलोमीटर, यही तो देखना है, यही तो स्पीड है, दैट इज योर स्पीड। स्पीड जो आपको पढ़ना है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के अंतर्गत, वो कितने तरह का होता है जो आपको पढ़ना है, जिससे आपका सरोकार है, बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं। सिंपल स्पीड तो हुआ, समझ गए, सिंपल स्पीड के अलावा रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रिजल्टेंट स्पीड, ये 3 स्पीड्स पढ़ने हैं, और क्वेश्चन में इन तीनों का इस्तेमाल होगा। मैं इन तीनों के बारे में चर्चा करूंगा और साथ साथ क्वेश्चन भी बनाता जाऊंगा। सिंपल स्पीड तो आप समझ गए, सबसे पहले स्पीड पर मैं क्वेश्चन बनाता हूं, लेकिन थोड़ा सा इनका यूज बता देता हूं। टाइम एंड डिस्टेंस जो आप पढ़ेंगे उसमें सिंपल स्पीड का इस्तेमाल होगा, एवरेज स्पीड का इस्तेमाल भी होगा, और रिलेटिव स्पीड का इस्तेमाल भी कभी कभी करेंगे, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा, मजा आएगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस हुआ। जब आप ट्रेन पढ़ेंगे तो एवरेज स्पीड, सिंपल स्पीड, ये सब का इस्तेमाल तो होगा ही, लेकिन रिलेटिव स्पीड मस्ट हो जाएगा, उसके बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। पहले ऑप्शनल था ना टाइम एंड डिस्टेंस में, इसमें मस्ट, उसके बिना आप हिल नहीं सकते, एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। और जब आप बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे तो इन सारे स्पीड का इस्तेमाल होगा, प्लस एक नया स्पीड पैदा होगा, दैट इज रिजल्टेंट स्पीड, वो सिर्फ यूज होगा बोट एंड स्ट्रीम में। इस तरह से इनका ये महत्व होगा, इंपॉर्टेंस होगा, यूज होगा अलग अलग चैप्टर में। सबसे पहले हमने स्पीड कहा, तो स्पीड को पहले देख लेते हैं यूज करके। यूज करते समय हमेशा याद रहे स्पीड कहते किसको है, अरे 1 सेकंड में कितना मीटर गए, तो दिया रहेगा ना इतना सेकंड में इतना मीटर, तो बता देंगे 1 सेकंड में कितना, अच्छा अच्छा 1 घंटे में कितना किलोमीटर, बता देंगे ना, दिया रहेगा इतना घंटा में इतना किलोमीटर। तो इस पर हम लोग पहले 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, साउंड ट्रेवल्स 330 मीटर पर सेकंड, हाउ मेनी किलोमीटर इज ए थंडर क्लाउड डिस्टेंट वेन द साउंड follows the flash after 10 seconds। आप समझ रहे हैं कि जो ठनका होता है, वो बादल जो कि फटता है उससे आवाज सुनाई देती है, बिजली निकलती है, तो जब बिजली आपको आप देख लेते हैं उसके 10 सेकंड के बाद वो आवाज आप तक आती है। रीजन ये है कि बिजली तो तुरंत पहुंच जाती है, यानी लाइट,
साउंड जो है वो धीरे धीरे आता है। तो पूछा कितना दूर है यहां पर वो बादल फटा, बिजली निकली, आवाज निकली, वहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? अरे तो जो साउंड जब वो घटना घटी तो लाइट तो आपने देख लिया, साउंड वहां से यहां तक आने में कितना समय लिया? 10 सेकंड्स। और साउंड का स्पीड क्या है? 330 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन हुआ कि ये डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। अरे 1 सेकंड में अगर हम 330 मीटर जाते हुए देखते हैं साउंड को, साउंड को, तो 10 सेकंड्स में कितना देखेंगे? 3300 मीटर, यानी इतना किलोमीटर। आंसर आप जानते हैं सिंपल स्पीड का यूज था, और सिंपल स्पीड भी सीधा नहीं पूछता, ऐसे पूछता है आपको नहीं चलाया, क्या चलाया? साउंड को चलाया, मतलब आप अप्लाई कीजिए। तो ये एप्लीकेशन था। इसी तरह का एप्लीकेशन ये और भी दो क्वेश्चन है, और एग्जाम में एप्लीकेशन आता है, आता है। कम से कम क्लरिकल लेवल में, एसएससी में, एलआईसी में, बैंक क्लर्क में, रेलवे में, उसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं। द डिस्टेंस, सेकेंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 14 crore 34 lakh kilometer, एंड द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर इन 7 minutes and 58 seconds. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट पर सेकेंड। एक आपने साउंड के स्पीड से देखा, दूसरा आप लाइट के वेलोसिटी पर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के पहले कि सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है। तो ये क्वेश्चन जीएस जनरल स्टडीज में भी आता है कि जो अर्थ का डिस्टेंस है सन से, वो एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि ये जो पाथ है वो इलिप्टिकल है, हर जगह समान नहीं है, ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है अर्थ का सन से मैक्सिमम, वो करीब करीब 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है, और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ये वाला मिनिमम, वो 14.8 करोड़ किलोमीटर होता है इस तरह से। तो जो एवरेज डिस्टेंस लिया जाता है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है, करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर। आपसे जीएस में पूछा भी जाता है कि ये जो लाइट है सन से निकलने पर अर्थ तक कितनी देर में पहुंचती है, तो आप बोलते हैं 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उसका स्पीड है 3 × 10⁸ meter per second साउंड का, लाइट का, तो आपने निकाल दिया कि कितना समय लगा, तो वो 500 सेकंड्स लगते हैं, पूरे 500 सेकंड्स लगते हैं। ये एग्जाम में पूछता भी है कि कितनी देर में वो पहुंचता है, यानी 8 मिनट और 20 सेकंड। तो फैक्ट्स के रूप में आप ये याद रख लें कि सन से अर्थ का डिस्टेंस क्या है, करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर, 14.96। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रहे तो ठीक रहेगा, जनरल स्टडीज में काम आएगा। साउंड का जो वेलोसिटी का जो स्पीड है वो 3 lakh km/s है, 3 × 10⁸ meter per second, और ये जो टाइम लगता है वो 500 सेकंड लगते हैं, यानी कि 8 minutes and 20 seconds, कहीं कहीं रफली 8.5 मिनट भी लिखा रहता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन में डिस्टेंस थोड़ा कम रहा होगा वो बताया है, वो है 15 करोड़ किलोमीटर नहीं है बल्कि 14 करोड़ 34 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जो टाइम लगता है चूंकि नजदीक है इसलिए 7 minutes and 58 seconds लगते हैं। तो लाइट का आप वेलोसिटी बताएं, तो वेलोसिटी क्या होगा भाई? 7 minutes and 58 seconds में ना आप जाते हैं उतनी दूर, तो हम लोग किलोमीटर और सेकंड बोल देते हैं, तो 7 मिनट को सेकंड बनाएंगे तो 7 × 6 = 60, 420 हुआ, और 58 तो 478 seconds हुआ, और डिस्टेंस क्या है 14 crore 34 lakh। तो आप क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 14 crore 34 lakh, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि इसको कैसे कैंसिल करें, क्या करें। तो इसका जवाब ये है, डाटा को सुंदर बनाइए, ऐसे इतना जीरो जीरो लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। 14 crore है ना, इसको आप लाख बना दीजिए, लाख बनाने से क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 1434 lakh kilometer ऐसे बना दीजिए।
ऐसा बनाएंगे तो आप देखिएगा ये 3 times में ही कट जाएगा और अच्छा भी लग रहा है 1434 अच्छा डाटा लग रहा है और इससे आप देखिए 3 times में कट जाएगा क्या आया 300,000 km/s 300,000 km/s यानी 3×10^8 m/s दिस इज आंसर। तो अगर आप सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं तो बहुत आसानी से तुरंत बना सकते हैं। ये आपने देखा ये सिंपल क्वेश्चन था। एक और देखिए द व्हील ऑफ एन इंजन 4×2/7 m इन सर्कमफेरेंस मैक्स 7 revolutions इन 4 seconds फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन km/h। अब आप देखिए देख करके किसी किसी स्टूडेंट को डर लग जाता है जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। मेरा कहना है कि मैंने जिस कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की है उससे बाहर कुछ है ही नहीं। स्पीड पूछा ना क्वेश्चन में, क्या पूछा सोचिए जरा, स्पीड km/h में 1 घंटे में कितना किलोमीटर। अरे हम कैसे बता दें, आपको बताना पड़ेगा 10 घंटा में 100 किलोमीटर तब ना बोलेंगे 1 घंटा में 10 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन में कहीं है कि इतने समय में ये दूरी तय करते हैं, छुपा हुआ है, देख लेते हैं कहां है। तो इसमें चर्चा है, सुनिए। विल आप कुछ ऐसा मान लीजिए, विल ऐसा विल मान लीजिए, तो विल का सर्कमफेरेंस दिया है और ये जब चक्कर लगाता है तो क्या होता है, एक मार्क कर दीजिए। मान लीजिए विल को ऐसे तोड़ दें, विल को अगर हम तोड़ दें ऐसे करके एक तार बन जाएगा, तो ये तार 10 मीटर लंबा है, इस तार को राउंड कर दीजिए तो सर्कल बन जाएगा, उसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। एक चक्कर का मतलब वो 10 मीटर तय कर रहा हुआ, अगर 10 मीटर लंबा तार है तो आप जरा सोचिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 seconds में 7 revolution, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि यहां मार्क कर दीजिए ऐसे और ये एक चक्कर लगाए, तो एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय हुई, सर्कमफेरेंस के बराबर। और सर्कमफेरेंस कितना है फैसला एक साथ कर देना है। सर्कमफेरेंस क्या है, 4×2/7 m, इसको ब्रेक कर दीजिए 30/7 m, जरा देखिए तो 30/7 m, एक चक्कर का मतलब 30/7 m, और कितना चक्कर लगाया जाता है, 7 चक्कर लगाया जाता है, 7 revolution, मतलब इतना मीटर कितने समय में, 4 सेकंड में, ये उसका स्पीड हो गया। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, यहीं पर बोल दीजिए 18/5 km/h। देखिए अलग अलग नहीं करना है, दे आर मेड फॉर ईच अदर, 7 कट जाएगा। ये बोलिए 5×4 = 20 होता है, 0 को यहां काटे, 2 से यहां काटे, 27 km/h यही आंसर, अलग अलग नहीं कीजिए। सिंप्लीफिकेशन की चर्चा तो मैं बार बार करता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन हर क्वेश्चन चैप्टर का पार्ट है, सिंप्लीफाई ऐसे ही करना होगा। ये आप समझ गए सिंपल स्पीड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रिलेटिव स्पीड क्या है, फिर उसका भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बात करेंगे एवरेज स्पीड क्या है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव स्पीड और फिर उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। रिलेटिव स्पीड भी स्पीड ही है, थोड़ा संक्षेप में आपको बोलता हूं। अगर दो व्यक्ति एक जगह से एक ही डायरेक्शन में जाए, एक जाए 10 km/h से और दूसरा जाए 6 km/h से, तो आप क्या देखेंगे 1 hour में क्या होगा, एक 10 चला जाएगा दूसरा 6 जाएगा, तो 4 ही ज्यादा गया ना। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हर घंटे कितना आगे जा रहा है, 4 किलोमीटर, फिर अगले घंटे 4 किलोमीटर। तो भले ही पर्वत पहाड़ नदी नालों स्थिर चीजों की तुलना में वो 10 वाला 10 km/h से जा रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से तो 40 km/h से ज्यादा जा रहा है ना। दिस इज रिलेटिव स्पीड, यानी सेम डायरेक्शन में जाने पर घटता है। यानी क्वेश्चन क्या हुआ, एक अगर 10 km/h से जाए और दूसरा 6 km/h से जाए सेम डायरेक्शन में, तो 3 घंटे में कितना ज्यादा दूर निकल जाएगा, दोनों के बीच दूरी क्या होगी। अरे 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी होती है तो 3 घंटे में क्या होगी, 12 किलोमीटर है सर। और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो देखिए, अगर एक ही जगह से अपोजिट डायरेक्शन में जाए, एक जाए 10 दूसरा जाए 6, तो 1 hour में क्या होगा, 10 × 6 = 16, तो 1 hour में 16 किलोमीटर, फिर 1 hour में 16 किलोमीटर, फिर 1 hour में 16 किलोमीटर। यानी रेट ऑफ सेपरेशन क्या हुआ, 16 किलोमीटर पर आवर
सो इन 3 आवर्स 48 किलोमीटर आंसर। ये दो क्वेश्चन यहां दिए गए हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दूसरा 3.5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या हुआ, एड हो गया। पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, अपोजिट डायरेक्शन में तो एक 3, दूसरा 3.5, तो क्या हुआ 6.5 किलोमीटर इन 1 आवर। सो इन 3 आवर्स हाउ मच, 19.5 किलोमीटर आंसर। और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, एक 3 से दूसरा 3.5 से, तो हर घंटे में क्या हो रहा है, आधा किलोमीटर ज्यादा। तो 3 घंटे में कितना किलोमीटर ज्यादा, तो 1.5 किलोमीटर, 1.5। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर आंसर। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप रिलेटिव स्पीड का बहुत अच्छा इस्तेमाल देखेंगे और ये एग्जाम के ख्याल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं। ट्रेन ए लीव्स मुंबई सेंट्रल फॉर लखनऊ एट 11 AM रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी लीव्स मुंबई सेंट्रल फॉर लखनऊ बाय द सेम रूट एट 2 PM ऑन द सेम डे रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स मीट ईच अदर। देखिए देखिए, रिलेटिव स्पीड तब यूज होता है जब दोनों एक साथ चलते हैं। स्टार्ट देखिए, मुंबई सेंट्रल से एक ट्रेन लखनऊ के लिए खुलती है कब, 11 बजे सुबह। स्पीड क्या है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 11 बजे खुली, ओके। दूसरी ट्रेन उसी मुंबई सेंट्रल से, उसी रूट से, उसी लखनऊ की ओर 2 बजे खुलती है। 2 बजे का मतलब हुआ 11 से 2 बजे दोपहर का मतलब हुआ 3 घंटा गुजरना। 3 घंटे में पहली ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 180 किलोमीटर दूर जा चुकी है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, पहली ट्रेन 11 बजे जो मुंबई सेंट्रल में थी, वो 2 बजे 180 किलोमीटर दूर यहां पहुंच चुकी है, जबकि दूसरी ट्रेन 2 बजे मुंबई सेंट्रल से सेंट्रल पर खड़ी है। 2 बजे ये कंडीशन है, यहां से जो डिस्टेंस है वो 180 किलोमीटर का है। ये ट्रेन चलेगी 60 किलोमीटर पर आवर। अगर इस ट्रेन का स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर होता तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। इसलिए इस ट्रेन का स्पीड क्या है, थोड़ा ज्यादा है। कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका जो 60 है वो तो 60 ये चलती ही है, 12 और चल लेती है, तो बीच का डिस्टेंस 12 किलोमीटर हर घंटे में तय होता है। यानी इस 180 किलोमीटर के लिए जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। तो 12 किलोमीटर पर आवर 180 इन हाउ मेनी आवर्स, क्योंकि दोनों ट्रेनें जब मिलेंगी तो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस तय होगा और स्पीड होगा 12 किलोमीटर पर आवर 180 किलोमीटर इन 15 आवर्स। यानी दूसरी ट्रेन जो 2 बजे दोपहर में खुली थी वह 15 घंटों के बाद पहली ट्रेन से मिलेगी। 12 घंटा का मतलब हुआ दोपहर 2 का रात में, यानी कि जिसको आप सुबह बोलेंगे 2 बजे, और फिर 3 घंटा हुआ सुबह 5 बजे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 बजे दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। यानी कुल मिला के समझिए, ट्रेन ऐसे है, दूसरी ऐसे है, 11 बजे पहली ट्रेन ऐसे है, 2 बजे यहां पहुंची, 2 बजे यहां पहुंची खुली, और सुबह 5 बजे मिल गई। समझ में आया, ठीक ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, आइए देखिए। ए थीफ स्टील्स ए मोटर कार एट 1 PM एंड ड्राइव्स एट इट 45 किलोमीटर पर आवर। द थीफ इज डिस्कवर्ड एट 2 PM एंड द ऑनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार एट 54 किलोमीटर पर आवर। When will he overtake the thief? ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक चोर चोरी करता है, कब, दोपहर में 1 बजे चोरी करता है और 45 किलोमीटर पर आवर से भागता है। तो भागा, यहां से भागा, 2 बजे कार के ऑनर को पता चलता है। तो 2 बजे चोर कहां है,
तो 1 बजे यहां से भागा था 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो 2 बजे 45 किलोमीटर दूर है। ये देखिए 2 बज रहा है, 1 बजे चोर यहां है चोरी वाले जगह से कार लेके भागा, 2 बजे चोर यहां है 45 किलोमीटर दूर, चोर यहां है और कार का जो ऑनर है वो यहां है, 2 बज रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 45 किलोमीटर, चोर भाग रहा है 45 किलोमीटर पर आवर, सिपाही भी अगर ऑनर सिपाही या फिर जो मोटर कार का मालिक है वो भी अगर 45 किलोमीटर पर आवर से चलता तो ये दूरी कभी कम नहीं होती और कभी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन इसका 45 है, इसका 45 प्लस 9 है यानी 54 किलोमीटर पर आवर, 54 का मतलब इस 45 के अलावा 9 है यानी 1 घंटे में ये 9 तय हो जाएगा बीच का, और बीच का डिस्टेंस क्या है 45 किलोमीटर, दैट मींस फॉर दिस 45 किलोमीटर स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर, सो इन 5 आवर्स ऐसे होगा। ऐसे चोर ने यहां चोरी किया, भागा, जो कार का ऑनर है उसने पीछा किया, 5 घंटे में पकड़ लिया, क्यों, क्योंकि 45 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 5 आवर्स में तय होगा, 2 बजे दोपहर में पीछा करना शुरू किया और शाम में 7 बजे उसको पकड़ लिया। बोलिए ये टाइम एंड डिस्टेंस कैसा लगा? अभी ये कंसेप्ट टेक्निक एंड सॉल्यूशन का पहला क्लास था, आज इसको यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एवरेज स्पीड, क्योंकि उसमें काफी समय लगेगा इसलिए आज उस पर बात नहीं करते, एवरेज स्पीड को ठीक से एक्सप्लेन करेंगे, उसका एप्लीकेशन करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे ताकि उसमें किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कीजिए, बेस्ट विशेस के साथ, धन्यवाद।